अस्सलामुअलैकुम। हम आज बनाने वाले हैं लोडेड चीज़ी सैंडविच, जिसको बनाने के लिए मैंने एक कप यहाँ पर बोनलेस चिकन ले ली है। इसको छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। 3 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून दही डालेंगे, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड करेंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबाइए। अगर आप बेल बटन नहीं दबाओगे तो आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी नहीं दिख पाएगी। तो ये देखिए बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आया है। 1 टीस्पून इसमें ऑयल डाला है मैंने, क्योंकि हमने मैरिनेट करते वक्त भी ऑयल डाला था। तो अब इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे हम मीडियम फ्लेम पर। इसको कवर कर देंगे 2-3 मिनट के लिए। ये देखिए 2-3 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था। इसमें पानी रिलीज हो चुका है और चिकन कुक हो चुकी है, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे पीसेस थे चिकन के। फुल फ्लेम पर इसका पानी सुखा लिया है मैंने। ये फीलिंग हमारी बन के रेडी है चिकन की। अब वेजिटेबल्स ले लिए हैं मैंने, कैबेज लिया है, अनियन लिया है और ग्रीन वाली कैप्सिकम ली है, छोटे छोटे कट कर लिए हैं मैंने पीसेस में। 3 टेबल स्पून इसमें मेयोनेज ऐड करेंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मेयोनेज मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि जब हम वेजिटेबल्स लगाएंगे ब्रेड के ऊपर तो वो गिरेगी नहीं। अगर आप ऐसे ही सूखी वेजिटेबल्स लगा देंगे तो खाते वक्त भी गिरेगी और लगाते वक्त भी गिरेगी। मेयो सॉस बनाने के लिए मैंने 1/2 कप मेयोनेज लिया है, 1 टीस्पून चिली सॉस और 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ही टेस्टी और मज़े का सॉस होता है, आप कोई भी चीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये ब्रेड के स्लाइसेस को मैंने बटर लगा के हल्का सा टोस्ट कर लिया है, थोड़ा सा फ्राई किया है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब जो मेयो सॉस हमने बनाया है वो इस पर स्प्रेड कर देना है। वेजिटेबल्स लगा देंगे। ये देखिए मेयोनेज लगाने से वेजिटेबल्स चिपकी हुई है, गिरेंगी नहीं, अच्छे से सेट हो जाएंगी। अगर आप सूखी वेजिटेबल्स डाल देते तो ये गिर जाती। अब सेकेंड ब्रेड इस पर रख देंगे और इस पर भी हमने जो सॉस बनाई थी वो लगा देंगे, मेयो सॉस। आप चिकन की फिलिंग इस पर डाल देंगे, अच्छी तरह से डालना है, चिकन की फिलिंग ज़्यादा होनी चाहिए इसमें। बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी ये सैंडविच बनकर रेडी होता है। इफ्तार स्पेशल रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप ज़रूर इसे बनाइए, ट्राई कीजिए। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने चिकन की फिलिंग को इसमें भर दिया है। अब इसमें मोज़रेला चीज़ डाल देंगे हम। तीसरा ब्रेड इसके ऊपर रख देंगे और मेयो सॉस लगाएंगे। अब इस पर बहुत सारी हमें मोज़रेला चीज़ डालनी है, क्योंकि ये चीज़ी सैंडविच है, लोडेड चीज़ी सैंडविच है, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ जाएगा। जितना ज़्यादा आप डाल सकते हैं उतना डाल सकते हैं। तो अच्छी तरह से मैंने मोज़रेला चीज़ इस पर डाल दिया है। अब ब्लैक ऑलिव्स लगा देंगे इस पर। अगर आपके पास है तो लगाइए, नहीं है तो आप मत लगाइए। अब जो मैंने शिमला मिर्ची बचा कर रखी थी थोड़ी सी, वो डाल देंगे। तो ये सेकेंड वाला भी मैंने इसी तरह से बना लिया है। थोड़ी थोड़ी चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे, इसको ओवन में बेक करेंगे हम 5 मिनट के लिए। 180 टेम्परेचर पे सिर्फ चीज़ को हमें मेल्ट करना है। ये देखिए चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है, हमारा लोडेड चीज़ी सैंडविच बनकर रेडी है। इसको कट कर लेते हैं।
देखिए, देख सकते हैं आप मेरे उठाने से, आपको पता चल रहा होगा कि कितना चीज़ी सैंडविच बनकर रेडी हुआ है। बहुत ही मज़े का है खाने में, बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको व्यूवर्स मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।